हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का ट्रक ड्राइवर ब्लॉग्स के एक नए से वीडियो में। दोस्तों अभी मैं गया था, जैसा कि मालूम है आप लोगों को, जिस दिन मैं आया था घर पे वहाँ पे गया था भाई बलिया में आरटी ऑफिस में। तो वहाँ से मैं रिटर्न वक्त मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और अभी मैं इस एडिट कर रहा हूँ भाई। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ ब्यासी पुल जो अभी बन रहा है श्रीरामपुर, उसका पुल का नाम है ब्यासी पुल हम लोग कहते हैं दोस्तों। तो अभी जा रहा हूँ उस पुल को दिखाने के लिए। इस पुल की लंबाई कुल 2.5 किलोमीटर है और गंगा नदी पर ये पुल बना हुआ है। तो आप एंजॉय कीजिए वीडियो के साथ, बने रहिए और थोड़ा बहुत व्यू आपको दिखाते जाऊंगा दोस्तों रास्तों का। और ये देखिए पूरा इलाका जो है ना बाढ़ से डूबा रहता है हमेशा। अभी भी पानी देखिए, पानी अभी लगा है और फिलहाल बारिश के पानी से ही डूबा रहता है दोस्तों। तो अभी का सीन कुछ ऐसा ही है। तो आगे चलते हैं दोस्तों और आपको व्यू दिखाते हैं, जाते हैं। हालांकि दोस्तों ये अभी पुल चालू नहीं हुआ है, क्योंकि दोस्तों ये देखिए रोड जो यूपी की तरफ से रोड जो है पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन बिहार में जो अभी काम इसका चल ही रहा है, मतलब अभी कंटिन्यूअस इसका काम चल रहा है, इसलिए अभी पुल चालू नहीं हुआ है। और जबकि उद्घाटन इसका शायद हो चुका है, यही सीन है अभी का। और ये देखिए रास्तों का नज़ारा, मतलब थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है भाई। और रास्तों का नज़ारा आप इन्जॉय कीजिए वीडियो को। तो दोस्तों अभी आपने देखा, अभी हम गए थे आरटी ऑफिस में अभी काम क्लियर करके। अभी हम खड़े हैं जो हमारा ब्यासी पुल है, फिलहाल अभी चालू नहीं किया गया क्योंकि रास्ता में आपको व्यू दिखाया दोस्तों कि अभी वो रास्ता अभी मतलब पक्का नहीं हो पाया इस साइड से, और उस साइड से बिहार पड़ता है हमारा और इधर पड़ता है हमारा यूपी। तो इधर से रास्ता तो क्लियर हो गया है, उधर से रास्ता नहीं बन पाया है। हालाँकि इसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है, अभी पानी सूख गया पूरा। और ये रही गंगा नदी जो हमारे बनारस से होते हुए बहुत दूर जाती है। तो दोस्तों यही मेरे को दिखाना था आपको। तो चलिए आपको राइड करके दिखाते हैं और आपको इसको पार करके दिखाते हैं। दोस्तों ये पुल जब बन के रेडी होगा ना, जब इसका आवागमन चालू होगा, जो नया 4 लेन बन रहा है बक्सर टू पटना के लिए, उस पुल ये पुल उसी में जाके मिलेगा और आवागमन बहुत तेज़ी से होगा दोस्तों। बलिया के बक्सर के बीच में ये पुल बना हुआ है और बहुत ही लंबा पुल है 2.5 किलोमीटर का यहाँ से। तो रास्ते का व्यू आप देखते जाइए।
हालांकि दोस्तों ये जो इलाका है चक्की पड़ता है इस साइड में, इलाका श्री रामपुर से चक्की में, और ये जो ब्यासी पुलिस का नाम रखा गया है, श्री रामपुर पुल भी इसको बोलते हैं लोग। और यहाँ से इलाका जो है पूरा बाढ़ से, नीचे का इलाका जो है पूरा बाढ़ से डूबा रहता है। अभी तो फिलहाल कम पानी हो गया है, लेकिन पूरा बाढ़ से डूब जाता है इलाका। और अभी रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए अभी चालू नहीं किया गया है। यूपी की तरफ से तो बन गया है, लेकिन बिहार की तरफ से अभी नहीं बन पाया है, आपको पहले ही हमने बताया। दोस्तों खैर अभी तो पुल को पार कर लिए, और देखिए ये इलाका, मतलब अभी बिहार की तरफ से रोड अभी का अभी कंस्ट्रक्शन का काम पूरा अभी हो ही नहीं पाया है, बहुत दिनों से काम चल रहा है। और अभी मतलब धीरे 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 ग्रोथ हो रहा है, हालांकि इसमें बाढ़ आया हुआ था पिछली बार, और पानी तो अभी बहुत सूख गया है। तो इस तरह से मोटरसाइकिल का आवागमन और चार चक्कों का आवागमन होता है बराबर यहाँ पर। तो अभी का सीन कुछ ऐसा ही है, और आप देख चलिए ये इलाका पूरा चक्की का इलाका पड़ता है, और जो अपना गंगौली है उधर गांव पड़ता है भाई।